हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग टाइम में द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर के आए हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दो आर्टिकल दिख रहे होंगे। पहला जो आर्टिकल है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्ट ऑफ DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेज राजनाथ सिंह। और दूसरा जो आर्टिकल है वो कल एक आया था गांधी पीस प्राइज अवार्ड से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड आज भी है। गांधी प्राइज इज अ ग्रेट ऑनर, सेज गीता प्रेस, डेक्लाइन कैस अवार्ड। तो यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है हम उस पर पहले बात कर लेते हैं। इसमें जो बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्ट ऑफ DPSP यानी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किसका पार्ट है, सिविल कोड का है, ऐसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जी ने बोला है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो DPSP का पार्ट है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस अभी कुछ महीने पहले कर्नाटक में जैसे कि हिजाब को लेकर के परेशानियां हुई थी, तो उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। कई जगह और भी जैसे है ड्रेस कोड को लेकर के लोगों में परेशानियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं सोसाइटी में, तो उसी पे रिलेटेड है। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन मंडे क्वेश्चन द कंट्रोवर्सी बीइंग क्रिएटेड ओवर यूनिफॉर्म सिविल कोड सेइंग इट वाज पार्ट ऑफ द DPSP प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन्होंने बोला है कि जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कंट्रोवर्सी हो रही है, ये जो है ये पार्ट किसका है, ये भी DPSP के अंडर ही है। यूनियन यूनिफॉर्म सिविल कोड इज यूनिफॉर्म सिविल कोड नॉट इन द DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या मतलब, अगर मान लेते अगर DPSP में ऐसा मेंशन नहीं है, यानी भारत के संविधान के DPSP में UCC का अगर नहीं मेंशन है, वाई इज देन कंट्रोवर्सी बीइंग क्रिएटेड ओवर, तो इस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है। यह मिस्टर सिंह सेड इफ़ द गवर्नमेंट डज समथिंग बाई डिवेटिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन गोइंग बियॉन्ड इट्स लिमिट देन इट शुड बी कंसिडर रॉन्ग, बट हेयर इट इज़ नॉट द BJP विच मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर इसको गवर्नमेंट बियॉन्ड इट्स लिमिट देन इट शुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग, मतलब इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं या इसको कुछ गलत बताया जा रहा है। तो जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हुआ था यानी बनाया गया था, तो क्या था जिसने बनाया वो क्या, इनका कहना है कि उस समय तो BJP नहीं थी, है ना। जिस समय जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हुआ है उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और इट वाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जवाहरलाल नेहरू वाज एज आल्सो पार्ट ऑफ द टीम। मतलब उन्होंने बोला कि देखो, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हुआ है, जैसे आप लोगों को लगता है कि यह एक लिमिटेशन है या गलत है, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लोगों के मन में कोई विचारधारा है, तो इस पे हमारे जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जी हैं उन्होंने बोला है कि जिस समय ये बनाया गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हुआ था, उस समय बाबा साहब अंबेडकर जी थे और जवाहरलाल नेहरू थे जब ये बनाया गया था। इसके मतलब इस पार्टी के या मतलब इस टीम के पार्ट थे ये लोग। मिस्टर सिंह वाज स्पीकिंग एट एन इवेंट इन उत्तराखंड टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 9 ईयर्स ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एट द सेंटर। मतलब मानते हैं कि 9 साल से जो है केंद्र में किसकी सरकार है, BJP की है। द मिनिस्टर सेड द NDA द लॉ कमीशन वाज कलेक्टिंग ओपिनियन अबाउट द UCC फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, इज देयर नो UCC इन गोवा। मतलब गोवा में क्या अगर नहीं है UCC, वाई आर देयर ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन है वहाँ पर, इज देयर नो UCC इन MP। मिस्टर सेठ सिंह ही एडेड दैट ऑल ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द UCC वॉज पार्ट ऑफ वोट बैंक पार्टी।
मतलब ऐसा बोला कि देखो ये ऐसा कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। फिर इसी से रिलेटेड इसके बाद और भी बोला गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम बॉडीज़। मतलब उसके बाद में यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उसके अगेंस्ट में कौन है, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम बॉडीज़ हैं। लीडिंग मुस्लिम बॉडीज़ हैव कम आउट इन अपोजिशन टू द प्रपोज्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए जो इसका जो अपोज किया है वो किसने किया है, मोस्टली मुस्लिम बॉडीज़ ने किया है, मुस्लिम पार्टीज़ ने। कॉलिंग द लॉ कमीशंस मूव टू सीक सजेशन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर ए कॉमन कोड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन्होंने बोला कि देखो ये एक कॉमन कोड है जो एक तरीके से स्प्रिट यानी फैलाया जा रहा है, एंड कंट्रेरी टू रिलीजियस फ्रीडम इंजॉयड बाई ऑल सिटीजन द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अर्ज द गवर्नमेंट टू थिंक ओवर द प्रपोजल अगेन। इट इज़ एन अटेम्प्ट एट पोलराइजेशन एंड अ डाइवर्सनरी टैक्टिक बाई द गवर्नमेंट इट्सेल्फ। द जमियत जमियत उलमा और हिंद एंड जमात ए इस्लामी हिंद आल्सो कम आउट स्ट्रांगली अगेंस्ट द प्रपोजल टू एग्जामिन अफ्रेश द डेजरेबिलिटी ऑफ ए कॉमन सिविल लॉ। मतलब क्या बोला है कि जो इनके दो ग्रुप हैं, एक उलमा और हिंद एंड जमात ए इस्लामी हिंद, इन लोगों ने स्ट्रांगली मतलब अच्छे से इसके विरोध में है कि ये चीज़ जो है वो सही नहीं है। द जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द जमात कॉल्ड द UCC क्वेश्चनर एन एक्सरसाइज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड डिटर्मिनेटल। उन्होंने बोला है कि देखो ये जो है ये एक अनएक्सेप्टेबल है और डेट्रीमेंटल टू द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री अरशद मदानी प्रेसिडेंट ऑफ द जमात सेट। ऐसा जो जमात जमायत के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि ये फंडामेंटल राइट्स के भी ख़िलाफ़ है और इसमें ये अनएक्सेप्टेबल है, मतलब इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से जो है वो उन्हें प्रॉब्लम हुई है। देखिए सब अभी क्या हुआ था कर्नाटक में कि हिजाब को लेकर के बहुत प्रॉब्लम हुई थी, है ना, हिजाब, तो उसी को उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आ रही है। और आजकल कुछ थोड़ा ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ भी सोसाइटी में देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा, गांधी प्राइज इज़ अ ग्रेट ऑनर सेज गीता प्रेस डेक्लाइन कैश अवार्ड। देखिए आप लोग ज़्यादा इस बात पे फोकस मत करिए कि क्या हो रहा है, भाई रिलीजियस मत जाइए, भाई सेक्ट मत जाइए, आप लोग अपने अपने स्टडी पे फोकस करिए, न्यूज़पेपर पे ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ स्टडी से रिलेटेड है, अदरवाइज़ मेरा कोई फिनोमिना नहीं है होना चाहिए। दूसरा है कि गांधी प्राइज इज़ अ ग्रेट ऑनर सेस गीता प्रेस डेक्लाइन कैश अवार्ड। जो गांधी प्राइज़ है, गांधी पीस प्राइज़, वो वाकई में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन जो गीता प्रेस है उन्होंने कैश अवार्ड को डेक्लाइन किया यानी मना कर दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि गीता प्रेस ऑन मंडे इट वॉज मैटर ऑफ ए ग्रेट ऑनर टू बी कन्फर्ड द गांधी पीस प्राइज, है ना, गांधी पीस प्राइज, बट एडेड दैट इट वुड नॉट एक्सेप्ट द कैश कंपोनेंट। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जो कैश है, कैश कंपोनेंट ऑफ द अवार्ड कीपिंग विद इट ट्रेडिशन ऑफ नॉट रिसीविंग एनी काइंड ऑफ डोनेशन। मतलब वो क्या नहीं करना चाहते हैं, जो कैश अवार्ड है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब वो किसी भी प्रकार का कोई भी डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने डिक्लाइन किया है। इवन आज उनको इतना साल हो गया है, मतलब इतने दिन हो गए हैं पब्लिश करते हुए अपनी बुक्स वगैरह को, टेक्स्ट बुक वगैरह रिलीजियस बुक को पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी का भी ऐड नहीं दिया है बिजनेस पर्पज़। मतलब उनका जो गीता प्रेस है वो बिजनेस पर्पज़ नहीं है, वो अपने जिस जैसे उनकी शुरुआत थी आज भी वो उसी पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं। फिर है द पब्लिशर थैंक्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे
मिनिस्ट्री की कौन सी बात की गई है, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री है ना, फॉर कन्फरिंग द प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑन इट। मतलब गीता प्रेस जो गोरखपुर है उन्होंने धन्यवाद भी बोला है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और साथ में मिनिस्ट्री और कल्चर मिनिस्ट्री फॉर कन्फरिंग है ना, कल्चरल जो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री है उसको भी। द रेसिपेंट्स गेट 1 करोड़ ए सिटेशन एंड पैलक्यू एंड एग्जीक्यूसाइड ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम आइटम। मतलब कम से कम 1 करोड़ ए सिटीजन ए पालक्यू और हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम। इट इज़ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर अस, इट इज़ आवर प्रिंसिपल, इट इज़ आवर प्रिंसिपल एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ डोनेशन, सो द ट्रस्टी बोर्ड हैज़ डिसाइडेड नॉट टू टेक द अवार्ड इन मॉनेटरी फ्रॉम However, we will certainly accept the award for the honor of it, Geeta Press manager manager Lalmani Tripathi said. Established in 1923, Geeta Press is one of the world largest publisher of Hindu religious textbook. जो यहाँ के मैनेजर हैं गीता प्रेस के ललमानी त्रिपाठी, इन्होंने बताया कि ये 1923 में इस्टेब्लिश हुई थी गीता प्रेस, और ये विश्व का एक सबसे बड़ा पब्लिशर है जो रिलीजियस बुक को, हिंदू रिलीजियस बुक को पब्लिश करता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुई, इसके बाद की बात है कि बीजेपी हेल्स डिसीजन ए डे आफ्टर द कांग्रेस कॉल्ड द डिसीजन टू अवार्ड द प्राइज द पब्लिशर ए ट्रेवेस्टी, सेइंग दैट इट वाज एकिन टू अवार्ड अवार्डिंग सावरकर एंड गोडसे। द बीजेपी ऑन मंडे हेल्ड द मूव। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा सेड योर कंट्रीब्यूशन फॉर द लास्ट 100 ईयर्स इन द प्रिजर्वेशन एंड फ्लोरिशिंग ऑफ इंडिया ग्लोरियस सनातन कल्चर कॉमन ड्यूरेबल द सेल्फलेस सर्विस दैट यू हैव डन बाय टेकिंग Our holy books across the globe an inspiration for all of us. Union Home Minister Amit Shah said, "If India's glorious ancient Sanatan culture and scriptures can be read easily today, मतलब इसी की वजह से हम लोग easily टेक्स्ट बुक प्रोवाइड हो रही हैं और हम उसे easily समझ पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। It is due to Geeta Press unmatched contribution." Conferring Gandhi Peace Prize 2021 on Geeta Press is an honor of the work being done by it. Union Minister Jitendra Singh said Geeta Press is as associated with the culture of India, associated with Hindu belief, and those leveling allegation against Geeta Press were those who said that Muslim League was secular. Meanwhile, Communist Party of India MPP Shandosh Kumar wrote to the Mr. Modi opposing decision saying since its incapacitation Geeta Press has been instrumental in the spreading the ideology of militant Hindu nationalism. उन्होंने बोला है कि जो गीता प्रेस है ये कैसी किस विचारधारा पर है, हिंदू नेशनलिज्म पर आधारित है ना। मतलब सीधा है कि जो हमारी गीता प्रेस है उसका मतलब क्या है कि हिंदू सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो ये आज की हमारी दो न्यूज़ थी तो जो हम आपको लेकर के आए हैं। अभी नेक्स्ट न्यूज़ हम जल्द ही लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।